मंत्री जी। प्रभु निर्णय दीजिए। ये नृत्य स्पर्धा में सौभाग्यशाली हेमा और चिरंजीवी कृष्ण कुमार बिल्कुल निर्दोष है महाराज। नंदनी स्वार्थ हेतु मन में बदले की भावना को लेकर महाराज के अतीत को अपमानित किया है। इन्हें राजनर्तकी के पद से हटाया जाता है। कृष्ण कुमार, राजनर्तकी ने आपका अपमान किया, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। क्षमा करने वाला हमेशा महान होता है, यह आपकी उदारता है। सभी आपकी बड़ाई करते हैं, हमारी वजह से आपको जो ठेस पहुंची उसके लिए क्षमा कर दीजिए। सीमा नंदनी ने आपका जो अपमान किया उसके प्रायश्चित में तुम्हें राज्य से जो भी चाहिए वो मांगो, खुशी से देंगे। हमें कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस कल रात को हीरे पर जो रोशनी पड़ेगी उसे सबसे पहले हम लोग देखना चाहते हैं। अवश्य, इस सुंदर दृश्य को हम भी तुम्हारे साथ देखेंगे। सायंकाल के समय चंद्रमा की किरणें पड़ने पर उसमें से सतरंगी प्रकाश निकलता है। थैंक यू सर। अद्भुत है महाराज, ऐसा दृश्य तुम्हें और कहीं देखने नहीं मिलेगा। कृष्ण कुमार, ऐसी किरणें कार्तिक पूर्णिमा में ही दिखाई देती है। कार्तिक मास ईश्वर का सबसे अच्छा मास है। यह कीमती हीरा ईश्वर ने हमारे पूर्वजों को अपने हाथों से दिया है। यह चमत्कारी हीरा है। इसमें से केवल कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही ऐसा प्रकाश निकलता है। हम दोनों अपनी खुशी को दिखा नहीं सकते महाराज, हम आपके आभारी हैं। हमने इस पल को देख लिया है, यही हमारी खुशनसीबी है महाराज। जिस इंसान ने प्रभु के समक्ष मेरा अपमान किया है उसका तो बदला मैं लेके रहूंगी। पर कैसे देवी, दो दिन बाद तो कृष्ण कुमार अपने देश को प्रस्थान कर रहे हैं। उसे रोकना होगा सेनापति, रोकना ही होगा। उसके अहम को प्रभु की क्रोध अग्नि की ज्वाला में जलकर भस्म होना ही होगा सेनापति। कुछ भी गलत ना होने पाए, आज रात को पूजा मंदिर में कुछ भी गड़बड़ हुआ तो सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? सेनापति हो करके चोरी कर रहे हो? कविराज आप यहाँ? राज की रक्षा करने वाला सेनापति राजद्रोह कर रहा है, ये महाराज को भी ज्ञात होना चाहिए। इसे बंदी बना लो। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। कौन है? बताओ मेरे कमरे में क्या कर रहे थे? मेरी पेटी में वो हीरा रखने का क्या मतलब है? बताओ बताओ। ओए Oh!